रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। उत्तराखंड में कुदरत का कहर, चार जिलों में फटे बादल। भले ही अभी उत्तराखंड में मानसून आने की देरी हो, लेकिन पिछले कुछ घंटों में हो रही भारी बारिश ने लोगों को डरा दिया है। अचानक से हुई भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। खेतों में मलबा भरने के साथ पानी घरों में भर गया, जिससे स्थानीय लोगों को अपना घर छोड़कर ऊंची जगह जाना पड़ा। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे करीब 8 घंटे बंद रहा। शुक्रवार को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह से ही मौसम तल्ख रहा। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में बादल फटने से बरसाती नदी नाले उफना गए। इससे खेतों में मलबा भरने के साथ ही एक जगह घराट पंचकी बह गई। कुछ गांवों का संपर्क मार्ग ध्वस्त हो गया और पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। पौड़ी के थलीसैन क्षेत्र में 2 गौशाला बह गई। इसमें 4 मवेशियों की मौत हो गई। इसके अलावा पिथौरागढ़ के जौलजी में करीब 1.5 घंटे जबरदस्त बारिश से गोरी नदी में उफान आ गया। सुबह नैनीताल में भी बादल जमकर बरसे, कई जगह ओले गिरने के भी समाचार हैं। अगले 24 घंटे में बारिश और आंधी की चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम के तेवर फिलहाल बदले ही नजर आएंगे। मौसम विभाग ने इसके लिए बाकायदा चेतावनी जारी की है। राज्य मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार इस दौरान देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। चेतावनी को देखते हुए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है।